गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए लास्ट क्लास, हाँ अचानक से वीडियो पॉज हो गया था और रिकॉर्डिंग बीच में ही रुक गई थी। क्लियर है? तो जो कुछ हमें पढ़ना था हमने पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था। कोई बात नहीं, हम उसके आगे आज कंटिन्यू करके एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला टर्म को आज हम फिनिश करेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमने दो रिलेशंस को जनरेट किया था और हमने कहा था आप इसको एज इट इज याद रखेंगे। फॉर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंबस्टन डेटा, मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड। सही है? दूसरा हमने क्या देखा था? हाँ, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी ट्वाइस द मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सही है? यानी कि जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें अगर टू का मल्टीप्लाई कर दे तो वो वैल्यू किसके इक्वल होती है? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल होती है। इतनी सी बात लास्ट टाइम क्लियर हो गई थी, अब हम आगे बढ़े। दूसरी चीज़ और हमने क्या देखा था, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों होंगे। तीसरी चीज, जब भी कंबस्टन कराया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, हमें कन्फर्म वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। चलिए तो अब हम आज आगे बढ़ते हैं। वहीं से देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.88 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबस्टन। ठीक है? यानी कि हमें क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट दिया गया है, CO2 इज गिवन, दैट इज 0.88 किलोग्राम। अब देखिए किलोग्राम को हम पहले क्या बना लेंगे, ग्राम बना लेंगे। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, आई थिंक 880 ग्राम हो जाएगा। सही है ना? ठीक है। अच्छा, हमें रिलेशन किसका पता है? मोल्स का। मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या हम मास का कोई रिलेशन जानते हैं? नहीं। तो जो रिलेशन जानते हैं हम इसको उस रिलेशन में लेके जाएंगे। बस हमारी मेरी। तो ये देखिए ग्राम दिया ना, हम इसको क्या बनाएंगे, मोल्स। तो देखिए हम लिखेंगे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2, इसका मतलब मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए क्या होगा फॉर्मूला, हाँ मास ऑफ CO2 कितना दिया है, 880 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ CO2, कार्बन 12, ऑक्सीजन के दो एटम यानी कि 32 और 12 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 44 ग्राम, क्योंकि मोलर मास है तो यूनिट ग्राम में आएगी। इसको डिवाइड करिए, देखिए कितना आ गया, 20 मोल्स आ गया। ये किसकी अमाउंट है, दिस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोल। अब हमें ये बताइए मोल्स ऑफ कार्बन किसके इक्वल होता है, हाँ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, जो कि किसके इक्वल आया है, 20 मोल्स के। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें मोल्स ऑफ कार्बन पता चल गया कितना है, 20 मोल्स। लेकिन हमसे पूछा क्या, देखिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन गैस आर रिक्वायर्ड, यानी कि हमसे वो कार्बन एटम के लिए नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि मीथेन गैस कितना मिलेगा। आप हमें ये बताइए एक CH4 एटम में कितना कार्बन है, 1 कार्बन एटम होगा, या नहीं देख रहा, नेक्स्ट पेज कर लेते। देखिए एक CH4 जब मॉलिक्यूल लेंगे या फिर एक मोल ले लीजिए सीधे, तो एक मोल CH4 में बताइए आपको क्या मिलेगा, एक मोल कार्बन एटम मिलेगा। हाइड्रोजन की बात छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन अगर पूछता तो 4 मोल हाइड्रोजन एटम मिलता, हमें तो सिर्फ कार्बन से मिला है ना। तो देखिए एक मोल CH4 में एक मोल कार्बन एटम मिलेगा। आपको इस क्वेश्चन में पहले से ही पता है कि आपके पास कितने मोल कार्बन है, 20 मोल्स हैं, इसको आप यहां रख लीजिए। तो बताइए 20 मोल कार्बन एटम लाने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक मोल कार्बन एटम, एक मोल CH4, तो बताइए 20 मोल कार्बन एटम, हाँ 20 मोल CH4 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर मिल गया, यही तो पूछा था कि कितना मोल CH4 चाहिए, कितना चाहिए हमें, 20 मोल। सिंपल है, कर सकते हैं। चलिए आइए, सॉल्यूशन आपके सामने है, आप एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए।
दिया है मोल्स ऑफ मीथेन गैस CH4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, तो एक मोल मीथेन में एक मोल कार्बन एटम है, तो हमने डायरेक्ट रिलेशन बना दिया मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन। अगर ये रिलेशन ऐसा दिया होता तो बताइए, अगर ये दिया होता हमें मान लीजिए C2H6 ईथेन के लिए, तो क्या हम लिख सकते थे मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C2H6? नहीं लिख पाते, फिर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, 2, तो फिर हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके रिलेशन बनाना पड़ता। तो खैर आप इन सब चक्कर में मत पड़िए, आपको तो बस हम जितना समझाया उतना देखिए, सही है। तो देखिए मोल्स ऑफ कार्बन किसे निकाल देंगे, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। अच्छा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला, हाँ मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। देखिए मास ऑफ CO2 कितना आया था 880 ग्राम, मोलर मास ऑफ CO2 कितना आएगा 44 ग्राम, डिवाइड कर देंगे आंसर आ गया आपका 20 मोल्स, सही है। एक तो ये तरीका है, दूसरा जो पीछे हमने बताया वो भी था, अब आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, दिया हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए तो बताइए कितना मोल CH4 की जरूरत पड़ेगी, कर सकते हैं आप, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखिए अब तक का एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसमें हम सिर्फ एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, हम पीछे के भी कुछ चीज़ों को यूज करेंगे, यानी कि हम इसमें सब मिक्सचर बनाएंगे, तो आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए क्या दिया है 3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप हमें बताइए जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेगा हम क्या लेके चलेंगे, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन साफ साफ दिया तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो हम चेक कर लेंगे क्या कोई अमाउंट एक्स्ट्रा तो नहीं बचा, अगर एक्स्ट्रा बचा है तो वो कौन होगा, फिर ऑक्सीजन ही होगा। चलिए आइए देखते हैं, व्हेन बर्नड इन एक्सेस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्या है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपल है, देखिए क्या दिया हमें, हमें दिया 3 ग्राम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमने ओ सी लिख लिया, ठीक है, इसको बर्न करने पर कितना 4.4 ग्राम CO2 मिला और 1.8 ग्राम ऑक्सीजन मिला, सही है। एक चीज आपको ध्यान रखना होता है, आप जनरली क्या करते हैं, नहीं ऑक्सीजन नहीं शायद वाटर मिला ना H2O, हम क्या करते हैं डायरेक्ट इनको ऐड करके इसे चेक करने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना आपको, कैसे करना है देखिए, पहले आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे फिर वहां से मास निकालेंगे, किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का, अब आप ऐड करेंगे, अगर कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर 3 ग्राम हो गए तो ऑक्सीजन नहीं होगा, अगर मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन मिलकर सिर्फ 2 ग्राम होते हैं तो बताइए 1 ग्राम कौन रहा होगा, ऑक्सीजन रहा होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा, तो हमारे पास जो पता है हमें वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ठीक है भाई, हमने मान लिया ये 3 एटम से मिलकर बना होगा, कौन कौन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए तो हम पहले मोल्स ऑफ कार्बन निकालते हैं, तो मोल्स ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ CO2 के इक्वल, बताइए CO2 कितना है, ये तो ग्राम में दिया, यहां से मोल्स निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, बताइए गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना दिया है 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना आता है 44 आता है, इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 0.1 मोल, कितना आएगा 0.1 मोल, तो हम यहां लिख देंगे 0.1 मोल। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल है, आप यहाँ कार्बन में क्यों लिख रहे हैं, माइंड में आ रहा है ना, हाँ बहुत सिंपल है, आपको याद नहीं पीछे रिलेशन हमने पढ़ा था मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, याद आया,
हाँ तो वही रिलेशन हम यूज कर रहे हैं, CO2 जितना आएगा कार्बन भी उतना आएगा, तो हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ से अब आप निकालिए मोल्स ऑफ वाटर NH2O क्या होगा, मास ऑफ H2O कितना 1.8 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O, देखिए 2 प्लस 16 18, इसको सॉल्व करेंगे ये भी आएगा 0.1, ये 0.1 मोल किसका है, मोल्स ऑफ वाटर। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हाइड्रोजन का मोल चाहिए, तो बताइए हाइड्रोजन का मोल क्या मोल ऑफ वाटर के इक्वल होता है, नहीं, हाइड्रोजन का मोल मोल्स ऑफ वाटर के दो गुने के इक्वल होता है, यानी कि 0.1 है तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 0.2 मोल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं उसको, वैसे ही इनका मास निकालिए। अब हम देखेंगे मास ऑफ कार्बन या डब्ल्यू सी लिख लीजिए आप सबसे बढ़िया, ठीक है। जनरली हम केमिस्ट्री में मास और वेट को एकदम सेम लेके चलेंगे, ठीक है। तो जब भी हम W लिखेंगे आपको ये नहीं सुनना सर मास और वेट तो आपने बताया था अलग अलग होते हैं, वेट फोर्स होता है, हाँ मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। हम केमिस्ट्री में दोनों को सेम लेके आगे बढ़ेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ मास लिखना होगा हम W का भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू की बात नहीं होनी चाहिए, सही है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर डब्ल्यू सी। अब बताइए आपके पास मोल पता है और मास निकालना है, जब मोल से मास निकालते हैं तो ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, हाँ जब भी मोल से कुछ और कैलकुलेट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, मास निकालना है ना तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन का मोलर मास कितना आएगा 12 ग्राम, 12 इंटू 0.1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, ये आ गया 1.2 ग्राम, क्या है ये कार्बन एटम्स। अब ऐसे ही बताइए हाइड्रोजन का मोल पता है मास बताइए, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 1 इंटू 0.2 ये तो सेम आ जाएगा 0.2 ग्राम। अब हमें ये बताइए इन दोनों को मिला के कितना होगा, 1.2 और 0.2 अगर आप जोड़ दें तो बताइए कितना आएगा, हाँ 1.4 आएगा। अच्छा जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितना है 3 ग्राम, जिसमें से 1.4 ग्राम कौन कौन है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन है, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं। तो बाकी जो बचा कितना बचेगा, अभी 1.6 ग्राम कम है, 3 ग्राम होने के लिए अभी ये 1.6 ग्राम कम है, तो बताइए 1.6 ग्राम कौन रहा होगा, हाँ हमने कहा था ना कि ऑक्सीजन भी होगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि हाँ सर ऑक्सीजन कितना होगा 1.6 ग्राम होगा, तो बस इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए 1.6 ग्राम ऑक्सीजन। हमें तो मोल्स चाहिए ना, तो बताइए मास से मोल्स निकालना है तो क्या करते हैं हम, डिवाइड बाई मोलर मास, तो देखिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना मास आया 1.6 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आता है 16 आता है ना, तो 16 से डिवाइड कर दीजिए, ये आंसर कितना आ गया 0.1। तो आपको देखिए मोल्स मिल गए, तो अब आप यहाँ पे मोल लिख लेंगे 0.1 मोल। अब देखिए ये मोल जो आया आपका इसी मोल से तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाते हैं, लेकिन ये जो रेशियो आता है वो रेशियो क्या होना चाहिए, सिंपल रेशियो होना चाहिए। देखिए ये सिंपल है क्या, 0.1 0.2 0.1, अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आपको सिंपल दिखेगा, अदरवाइज आपको सिंपल नहीं दिखेगा, आपको डेसिमल दिख रहा है ना, तो बस सिंपल से काम करिए। जब भी आपको ऐसी वैल्यू मिल जाती हैं, क्या मिला आपको 0.1 H2 0.2 H2 0.1, यानी कि जब भी आपको सिंपल रेशियो ना मिले आप इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसको सिलेक्ट करिए और उस नंबर से सबको डिवाइड कर दीजिए। देखिए छोटा नंबर कौन है 0.1, तो 0.1 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 0.1 से इसे डिवाइड कर दीजिए और 0.1 से इसे डिवाइड कर दीजिए। अब जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1H2, ये वैल्यू आएगी 2H2, ये वैल्यू आएगी फिर से 1। देखिए 1:1 ये रेशियो सिंपल है या नहीं है, है ना, ये किसका रेशियो था, कार्बन का हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो बताइए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, हाँ कार्बन के एक एटम है तो सिर्फ C लिखेंगे, हाइड्रोजन के दो एटम हैं तो H2 लिख देंगे और ऑक्सीजन का एक एटम है तो O लिख देंगे। ये आ गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रही है,
हाँ, अब देखिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों बना था। पहली बात, आपको सारे मोल्स दिए थे, सॉरी ग्राम दिया था, मास दिया था, शायद मास दिया था, मास से आपको मोल्स निकालने होंगे, ठीक है। मोल्स किसके निकालेंगे आप? एटम्स के, कार्बन के और हाइड्रोजन के। फिर उन मोल्स से आप क्या करेंगे? मास निकालेंगे, और मास निकाल के एक बार चेक करेंगे क्या टोटल मास इस 3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के इक्वल है या नहीं। अगर हो जाता तो बस ऑक्सीजन को आप छोड़ देते और वहीं पे अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला बना देते। क्योंकि नहीं आया था तो जो बचा होगा वो कौन होगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का आप मास निकाल लेंगे। हमें मास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? मोल्स चाहिए। तो आप फिर से उस ऑक्सीजन के जो मास निकाले थे उसको मोल्स बना देंगे, फिर उसके रेशियो निकालेंगे। अगर रेशियो सिंपल है तो डायरेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखिए, अगर सिंपल नहीं है तो आपको हमेशा याद रखना, अगर सिंपल वैल्यू नहीं आई तो स्मॉलर वैल्यू से सबको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कई बार डिवाइड करने के बाद आपकी वैल्यू हो सकती है 1.9 आ जाए, डिवाइड करने के बाद भी तो आप इसको कितना मान लेंगे? 2 मान लेते हैं, किसी का हो सकता है 4.23 आ गया, तो बताइए वो कितना ले लेगा इसको? 4, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना वो एक इंटीग्रल वैल्यू होती है, यानी कि वो प्लस में 2, 3, 4, 5, 1, 0 हो सकता है, लेकिन वो माइनस में नहीं हो सकता, वो डेसिमल में नहीं हो सकता, वो रेशनल नंबर में नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, सही है। तो देखिए आपके पास सॉल्यूशन यहाँ सामने है, मोल्स ऑफ कार्बन CO2 के इक्वल है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया गया है, फिर यहाँ पे मास निकाला गया है, और फिर देखिए यहाँ पे निकालने के बाद मास चेक किया गया है, क्या ये 1.2 ग्राम और ये 0.2 ग्राम दोनों का सम 3 ग्राम के इक्वल आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन होगा, वो माइनस करके हमने निकाल दिया, देखिए कितना आया 1.6 ग्राम। इस 1.6 ग्राम को फिर से हमने मोल्स बना दिया, कितना आया? 0.1। देखिए फिर हम मोल रेशियो लिख दिए, कितना आया? 0.1:0.2:0.1। ध्यान रहे इंपीरिकल फॉर्मूला हमेशा मोल रेशियो से आता है, मास रेशियो से नहीं। मास तो फिर हम निकाले क्यों थे? ये चेक करने के लिए कि उसमें ऑक्सीजन है या नहीं। अगर वो पहले से ही ऑक्सीजन के बारे में कह दिया होता तो हमें इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात समझ में आई? ठीक, तो बस देखिए क्योंकि ये रेशियो सिंपल नहीं था तो हमने इस स्मॉलर नंबर 0.1 से सबको डिवाइड कर दिया, तो ये रेशियो मिल गया सिंपल। कार्बन 1 है तो C, हाइड्रोजन 2 है तो H2, ऑक्सीजन 1 है तो H, सॉरी ऑक्सीजन 1 है तो O लिखेंगे ना, H थोड़ी लिखेंगे। कर सकते हैं, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। दिया सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, 43.4%, 11.3% एंड 45.3%। कोई भी एक कंपाउंड है, नहीं पता क्या है, वो तो हमें निकालना है ना, तो हम लिख लेते हैं कंपाउंड, उसमें तीन कंपोनेंट है तो तीन पार्ट बना लेंगे। पहला हमारा है सोडियम, दूसरा है कार्बन और तीसरा है ऑक्सीजन, यही है ना? हाँ, सोडियम है 43.4%, कार्बन है 11.3%, ऑक्सीजन भी देख लीजिए 45.3%। अच्छा, आपको एक बात याद है, हमने कहा था परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि 100 ग्राम में वो कंपाउंड कितना ग्राम होगा, जितना परसेंट है उतना ग्राम होगा। तो आप मान लेंगे कि आपका कंपाउंड कितना है? 100 ग्राम। तो बताइए सोडियम कितना हो गया? ये मास लिख लेते हैं अब, 43.4 ग्राम हो जाएगा, जहाँ जहाँ परसेंटेज है वहाँ वहाँ अब ग्राम आ जाएगा, 11.3 ग्राम, उसी तरह ये हो जाएगा 45.3 ग्राम। बताइए हमें इंपीरिकल फॉर्मूला के लिए मास रेशियो चाहिए या मोल रेशियो चाहिए? मोल रेशियो चाहिए ना, ये सब क्या है? मास रेशियो। तो हम इनको क्या बना लें अब? मोल रेशियो। तो बताइए मोल्स ऑफ सोडियम निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे किससे? मोलर मास ऑफ सोडियम से। सोडियम का मोलर मास कितना आता है? 23। अब बताइए कार्बन को उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, 12 आता है,
ऑक्सीजन को करेंगे तो वो 16 आता है, आता है ना। चलिए डिवाइड करके देखिए वैल्यू कितनी आ रही है। कर लीजिए, देखिए कितना दिया है, 43.4 है ये तो दिख नहीं रहा। हाँ तो लिख लीजिए 43.4 डिवाइडेड बाय 23, ये वैल्यू आएगी 1.88। यहाँ लिख लीजिए 1.88, फिर से कर लीजिए ऐसे ही। किधर गया नेक्स्ट हमारा 11.3 डिवाइडेड बाय 12, ये वैल्यू आएगी 0.94। 0.99 कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं 0.94 ऐसे ही। अब नेक्स्ट हमारा 45.3, उसको भी आप देख लीजिए। डिवाइडेड बाई 16, दैट विल बी इक्वल टू 2.83। अब बताइए ये जो मोल रेशियो आया 1.88, 0.94 और 2.83, ये सिंपल रेशियो है, नहीं है ना। तो सिंपल रेशियो आप इसको बनाएंगे, पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या रेशियो आया हमारा। सोडियम आया था कितना, 1.88, हाँ 1.88। फिर आया था कार्बन 0.94। फिर आया था ऑक्सीजन, कितना आया वो 2.83 आया ना। क्या ये रेशियो सिंपल है, नहीं है। तो हमने कहा ना सिंपल रेशियो निकालने के लिए बस क्या करिए आप, जो छोटा नंबर है उसे डिवाइड करिए। छोटा नंबर कौन है इसमें, 0.94। तो देखिए 0.94 से इसको डिवाइड करिए, 0.94 से इसको भी डिवाइड करिए और 0.94 से इसे भी डिवाइड करिए। देखिए वैल्यू कितनी आएगी, ये तो क्लियर है कि 1 आएगा। अब देखिए इनको सॉल्व करिए, 2 4 8, 2 9 18, ये भी क्लियर है 2 आएगा। तो ये आ गया 2:2, ये आ गया 1:2। ये देखिए इसको डिवाइड करिए, 3 4 12, 3 9 27 28, ये 3 point something आएगा। तो बताइए 3 point something, ये सब तो सिंपल रेशियो है, तो इसको हम कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे, ये सब वैल्यू को छोड़ देंगे। तो बताइए हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, सोडियम कितना है 2, तो हम लिखेंगे Na2। कार्बन कितना है, एक एटम तो C। ऑक्सीजन कितना, लगभग 3 तो 3। जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा वो होगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सही है, कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए अभी हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया Na2CO3, हमसे पूछा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम, हाँ N into इंपेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं ना। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, N = मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो यहाँ से बताइए अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो N into EF हो जाएगा। तो देखिए N की वैल्यू निकाल लीजिए पहले आप, यहाँ पे N की वैल्यू दिया है, नहीं दिया, हमें मोलर मास दिया है। तो देखिए N का फॉर्मूला बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया है, 318 ग्राम डिवाइडेड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है हमारा, ये है ना, इसका मास बताइए कितना आएगा, 46 एंड 12, 58 एंड 48, कितना जा रहा है, 106 आ रहा है क्या, हाँ देखिए 106 आएगा। तो यहाँ 106 ग्राम लिख देंगे, इनको डिवाइड करेंगे कितना आ गया 3। तो लिख दीजिए 3 into इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, Na2CO3। सॉल्व कर देंगे तो बताइए Na पहले से 2 था, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, Na6 हो जाएगा। कार्बन 1 था, 3 से मल्टीप्लाई करें तो C3 हो गया। ऑक्सीजन 3 था, फिर 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 9। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बात समझ में आ गई, सिंपल है।
आपको जो हम सिखाना चाहते हैं बस इतनी सी बात है, अगर आपका रेशियो मोल रेशियो सिंपल नहीं है तो आप जो स्मॉलर नंबर है आप उसे डिवाइड करिए, मैक्सिमम केस में आपको एक होल वैल्यू मिल जाएगी, कंप्लीट वैल्यू। अगर कंप्लीट नहीं मिला सिंपल वैल्यू तो आप उसको राउंड ऑफ करके सिंपल वैल्यू बना लेंगे और वही वैल्यू यूज करेंगे, सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देख लीजिए एक बार। Na2CO3 ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला आएगा Na6C3O9, सही है। चलिए अब आप अच्छे से सीख गए हैं। इसमें एक और क्वेश्चन होगा जो हम चाहेंगे कि आप वीडियो पॉज करके जब हम शो करेंगे आप खुद से ट्राई करें। ये तो पूरा सॉल्यूशन, अच्छा यहाँ पे होमवर्क है तो होमवर्क आप खुद से ट्राई करेंगे, आपसे हो जाएगा। एक नहीं दो होमवर्क हैं, आप दोनों होमवर्क ट्राई करेंगे बिल्कुल हो जाएगा। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।